एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और हो गई है सुबह और बहुत कुछ काम मेरा हो चुका है। और आज मैं बनाने वाली हूँ लंच में बैंगन का भरता मेरी स्टाइल से। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनता है, और आप इस तरीके से बना के खाना बहुत ही अच्छा लगेगा। और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं मैक्रोनी, इन लोगों को यही चीज़ें पसंद आती है। और मैं अपने लिए बनाऊंगी ऑमलेट, क्योंकि मैं मैक्रोनी और ये सब नहीं खाऊंगी। मुझे अच्छी तो बहुत लगती है, बट हाँ, वेट लॉस कर रहे हैं तो फिर कुछ तो चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो बस मैंने बैंगन वैंगन भून लिए हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे बैंगन भून चुके हैं, टमाटर भून चुका है। मैं ऐसे ही भून के बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन मैं क्या क्या डालती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ ना, वो आप लोग देखना। बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बनता है ऐसे बैंगन का भरता। बस ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, सुबह की भी शुरुआत हो गई है। बाकी देखो क्या क्या काम होते हैं, तो चलिए फिर फटाफट हम अपना काम निपटा लेते हैं। मैं यहाँ बना रही हूँ लोगों के लिए मैक्रोनी, जो कि मैंने पहले ही बॉईल कर रखी थी। इन लोगों को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, बट ठीक है, मैं अभी मैंने छोड़ रखा है। कभी कभार खा लेती हूँ पर ऐसे नहीं खाती, बट इन लोगों के लिए तो ये सब चीज़ें बनानी ही पड़ती, पता ही आप लोगों को, बच्चों का तो। और बैंगन के भरते के लिए मैंने बैंगन वैंगन सब भून रखा है, सारा मैंने ही पहले ही कर लिया था। मैंने कहा पहले एक बार ब्रेकफास्ट हो जाता है ना, तो फिर मैं उसके बाद बैंगन का भरता, बस वो उसको मैं ऐसे ही करना है सब कुछ, बस वही रह जाएगा। इन लोगों के लिए मैं मैक्रोनी बहुत सिंपल सी बना रही हूँ, क्योंकि ये सिंपल ही खाते हैं ज़्यादा। आपको पता है इसमें अगर मैं कैप्सिकम और सभी कैरेट और डाल दूँ तो ये निकाल निकाल के साइड दोनों कर देते, तो इससे अच्छा मैं इन लोगों के लिए फिर सिंपल ही बनाती हूँ। वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो जब मुझे खाना होता था तो मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ, तब इन लोगों को वैसे खिला भी देती हूँ मैं। इधर मैंने अपनी कॉफ़ी चढ़ा दी, आप लोगों को तो पता ही है मैंने चाय छोड़ रखी है, कॉफ़ी विदाउट शुगर वाली मैं पीऊँगी। और इन लोगों के लिए बाद में डाल देती हूँ, पहले अपने निकाल लेती हूँ, फिर इन लोगों के लिए चीनी मैं डाल देती हूँ उसमें। और इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स यही सब डाल के बनाया है, ज़्यादा कुछ डाला नहीं है मैंने। सिंपल सी इन लोगों को बहुत पसंद आती है, और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी ऑमलेट, क्योंकि मुझे सिंपली कुछ ऐसा खाना है, तो मैं ज़्यादा ऐसा कुछ खाऊंगी नहीं कि जिससे मुझे मेरे जो मैंने काम करने की सोची उसमें मुझे कोई दिक्कत आए। तो थोड़ा बहुत तो देखो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता, ज़्यादा नहीं आप खाओ लेकिन हेल्दी खाने की कोशिश करो तो ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ मैं सोचूँ फटाफट अपने काम निपटा लूँ, जितनी जल्दी निपट जाते उतना ही बढ़िया रहता, आदमी फ्री हो जाता है फिर। और थोड़ा सा वैनेगर डालूंगी तो थोड़ा खट्टापन आ जाता है ना, तो अच्छा लगता है। और बाकी आप लोगों ने बताया नहीं कि मैं पतली हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ, बट वीडियो में देख के मुझे तो लगता है हाँ कि थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा ही है। मेहनत करो तो रिज़ल्ट भी ज़रूर मिलता है। इधर मेरी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है एंड मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ ऑमलेट। आपको बता ही दिया मैंने ऑमलेट बना, फिर यही सब हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। उधर मेरी कॉफ़ी बनी रही है, सब हो जाता है सुबह सुबह जल्दी। थोड़ा सा मुझे सुबह ये होता है जल्दी होती है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है। उसके बाद तो मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट वो ये खाली कभी कभी तो बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ही सारा काम निपट जाता है। तो मैं अपने ऑमलेट में थोड़ा सा अनियन, ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर और नमक, बस यही डाला है मैंने ऑमलेट बनाने के लिए। तो मैं अपना भी बना लूँगी, तो फिर हम सब एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। मॉर्निंग में जब से मैं स्कूल नहीं जाती तब से तो यही हो रहा है कि हम लोग सब मॉर्निंग में एक साथ ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और दोपहर में मैं बच्चों के साथ अपना लंच कर लेती हूँ। और इनका तो पता ही है, ये तो शाम को आते हैं, रात को आते हैं, तो इनका तो कोई वो है ही नहीं, ये अपना ले जाते हैं और वहीं खा लेते हैं ऑफिस में ही। और फटाफट मैं काम कर लूँगी। गर्मी पता नहीं 3-4 दिन से तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी हालत ख़राब हो रही है, पूछो मत। कि मतलब अगर एसी से बाहर निकलो ना तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि बस एक कमरे में बैठे रहो। किचन में 2 घंटा काम करना भी ना बहुत भारी सा लगता है। ये मैं अपने लिए कॉफ़ी निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे बिना चीनी की पीनी है। मैं सोचती हूँ जल्दी मैं ब्लैक कॉफ़ी भी स्टार्ट कर दूँ, तो मैं जल्दी ही कर दूँगी। और इन लोगों के लिए मैं चीनी डाल दूँगी, तो इन लोगों की चीनी वाली कॉफ़ी बन जाएगी। तो कहते हैं मैं तो बिना चीनी के नहीं पी सकता, मैंने कहा आपको पीनी भी नहीं है, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ। और इधर मेरा ऑमलेट भी बस रेडी हो जाएगा, ये हो गया रेडी, और मैं इन लोगों को सब कुछ सर्व कर दूँ। पहले मैं बच्चों को ही कर देती हूँ, क्योंकि उन्हीं को आयु को तो जल्दी सुबह लग जाती भूख, मम्मा जल्दी से कुछ दे दो। एंड देन भांजी को भी, सबको ऐसे करके इन लोगों की भी कॉफ़ी रेडी हो गई। एंड देन मैं अपने हस्बैंड को सर्व कर दूँगी, एंड उसके बाद मैं
अपना बिल्कुल। और ये बना रही हूँ मैं बैंगन का भरता। इसमें मैंने टमाटर, बैंगन को और आलू को मैश कर दिया है। इसमें मैंने ग्रीन चिली डाल दी है, 2 ग्रीन चिली डाल के नमक डाल दिया है, अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट वो डाल दिया है। और जो मैं बनाती हूँ, अगर आपके घर में ना अचार का जो तेल होता है ना, आप थोड़ा सा वो डाल दीजिए, जो यूपी के उनको पता होगा कि हमारी मम्मी ऐसे कैसे बनाती थी, भरता कितना टेस्टी बन। इस ऑयल डालने से ना अच्छा, मतलब भरते का ना टेस्ट ही अलग हो जाता है। इन सबको डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये धनिया पत्ती, जो कि ये बहुत ही टेस्टी भरता बनता है, कभी आप इस तरीके से बना के खाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कोई भी अगर आप बाहर का भी मार्केट का भी अचार यूज़ करते हैं ना, तो जो उसका ऑयल बचता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। बहुत ही टेस्टी ये भरता बनता है। तो ये मैं लंच के लिए बना रही हूँ। मैं अपने लिए वैसे आलू आलू नहीं सॉरी बीन्स की सब्जी बनाऊँगी मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा आलू खा नहीं रही इस टाइम तो, लेकिन थोड़ा सा तो ज़रूर खाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है भरता, तो मैं अपने खाने के साथ तो लंच के साथ इसको ज़रूर ही लूँगी। बट ये हाँ, बस अब इनका मुझे लंच पैक करना है, फिर ये चले जाएंगे ऑफिस, फिर मेरा बाकी का काम होगा। फाइनली लंच ब्रेकफास्ट सब डन। अब करनी है डस्टिंग, और बच्चों की चल रही है क्लास, इसलिए ज़्यादा तेज बोल नहीं सकते। आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, किचन में ना ऐसी हालत ही, देखो गीले हो गए कपड़े, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, पता नहीं कैसा ही वेदर हो रहा है। हाँ, 3 दिन हो गए बिना चीनी, मतलब कुछ कॉफ़ी पिए, या मैंने अभी तक शुगर नहीं खाया। मीठा तो खाया, फ्रूट तो खाया मैंने, जस्ट अभी एप्पल भी खाया था थोड़ी देर पहले, लेकिन शुगर नहीं खाया। मेरे को इतनी खुशी हो रही ना कि ओ मैं छोड़ सकती हूँ चाय, इतनी कोई बहुत बड़ी नहीं है। सिर्फ फर्स्ट डे मुझे हेडेक हो रही थी, उसके बाद मुझे कोई हेडेक नहीं हुई, उसके बाद आई एम फाइन, मैं रह सकती हूँ चाय के बिना भी। वही कहते हैं अपना जोश होना चाहिए, तो बाकी तो दुनिया जीत लो। चलिए अभी डस्टिंग करनी है, बच्चों की चल रही है क्लास, एक ही क्लास ख़त्म हुई, वो कार्टून देखना स्टार्ट, मतलब थोड़ा टाइम मिले ना बस। पता नहीं कि पैकमैन कितना देखता है ये लड़का। और मैडम की चल रही है क्लास, तो चलिए फिर नहा लिया और मैं जा रही हूँ लंच करने। मैं आप लोगों को अपना लंच दिखाती हूँ कि मैं क्या लेती हूँ, और सुबह तो आप लोगों को बता ही दिया था मैंने वेट लॉस कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं इतना लेती हूँ और मेरा आराम से डाइजेस्ट हो रहा है, क्योंकि रात को फिर मैं राइस या रोटी कुछ भी नहीं खाती, तो इसी टाइम जो खाती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या मैं खाती हूँ। मेरा आलू बीन्स की बहुत ही सिंपल सब्जी है, सॉरी सिर्फ बीन्स है। इसमें मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर और थोड़ी सी हल्की सी हल्दी, मिर्ची, टमाटर और प्याज डाला है, और ये कर्ड, ये क्यूकम्बर, और सिर्फ मैं 2 चपाती खाती हूँ, और ये आलू और बैंगन का भरता थोड़ा सा टेस्ट के लिए, मुझे बहुत पसंद है तो थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं। ये है मेरा लंच। आयु देख रहा है पिज्जा वाली बहू, और आयु के लिए भी मैंने, आप दूसरा हो गया, अब दिखावे वाली बहू, इसको बहू चाहिए, अब इसकी शादी करने वाले हैं हम, क्योंकि अभी आयु कह रहा आप सीरियस समझ लेती हूँ। अब भाई यही कह रहा था कि पिज्जा वाली बहू चाहिए मुझे, जो रोज पिज्जा, और क्या मैंने पिज्जा वाली बहू ना लाऊं। पिज्जा हेल्दी फूड होता है, जंक फूड होता है। आयु आयु को बहू चाहिए, क्योंकि पहले पिज्जा वाली बहू देख रहा था, अब दिखावे वाली बहू देख रहा। आयु की करवा दे शादी, करवा दे शादी। कौन सी वाली बहू चाहिए? गेमिंग वाली बहू। सुन लो, ओ माय गॉड, आयु को चाहिए गेमिंग वाली बहू। गेमिंग वाली बहू के साथ क्या गेम खेलोगे? दोनों बैठ के रिमोट लेके गेम खेलोगे? पहले तुमने दिमाग खराब कर रखा है, फिर आके तुम्हारी बीवी दिमाग खराब करे मेरा है। आप सास जो बना दी इस टाइम, क्या बनो? सास बनोगी? किसी के पास है इतना दिमाग? ये
आपका सास बनना पड़ेगा। अच्छा जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो मैं सास बन जाऊंगी, तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो तुम बहुत बड़े हो गए पापा जी, तुम्हें अभी तो मैं बुढ़ी भी नहीं हुई हूँ। जब तुम पापा जितने बड़े हो गए तब तुम्हारी शादी करेंगे, तब मैं सास बनूंगी। इसे इतनी प्यास लगती है, पूरा ग्लास भर के पानी लेगा और इतना सा पानी पीता है। कितना सा? इतना सा, लेकिन पता नहीं कितनी ग्लास है बस, ताकि पानी दे दो, पानी दे दो, ये गंदा बच्चा। तो मैं अब आयु के लिए गेमिंग वाली बहू ढूंढने वाली हूँ, तो जिस जिस को मिले वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताना किस कौन है ऐसी लड़की को जानता है जो गेम ज़्यादा खेलती है, तो मैं उसी से आयु की शादी करवा दूँगी। ठीक है, ठीक है भाई, सब लोग ढूंढ लेना और मेरे को बता देना। पिछले 3-4 दिन से इतनी गर्मी पड़ रही ना, जैसे कैसी स्किन होती जा रही है, मतलब बहुत ही गंदी वाली गर्मी है। शाम हो गए, जा रही हूँ छत पे क्योंकि अब तो धूप नहीं है, तो नहीं तो दोपहर में सोचा था गमलों में पानी, वैसे माई ने दे दिया था पर फिर भी देख लूँ ना कि कितना दिया है या किस में रह गया, तो चलिए फिर गमलों के पास चलते हैं। चलिए हमारे गमलों के पास। ये देखिए उसने ना आधे गमलों में डाला, आधे में नहीं डाला है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना प्लांट। इसको तो हमने सुखा दिया है, इसके बीज निकल जाएंगे। ये मिर्ची, लेमन ट्री, मिर्ची में आपको दिख रहे कितने छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, तो शायद चिली भी कुछ दिनों में तो आएगी, अभी तो नहीं आई है, मिथिया आ जाएगी। ये भी चिली, एंड देन ये पालक है और वो भी पालक थी, ये टमाटर है, इसमें धनिया बो रखी है, रात के बच्चों के 11 और मैं हम जा रहे सोने। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग या कुछ भी लेके। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहती। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।